जय जिनेंद्र दोस्तों, ये अहमदाबाद का जैन मंदिर है। नीचे है गार्डन, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ जैन मंदिर में। अभी इसमें इतनी पब्लिक आपको क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उस समय कोविड का समय चल रहा था जिस समय मैं इस मंदिर में आया था। बहुत ही शानदार है, करोड़ों रुपये खर्चा हुआ है इस पर, करोड़ों रुपये लग के जैन मंदिर बना है। आप खुद ही देख सकते हैं कितने सारे खंभों पर टिका हुआ है ये मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है, अहमदाबाद जाओ तो जैन मंदिर जरूर देख के आना। और बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार है, नया बनाया अभी, बहुत कम खर्चा लगता है यहाँ पहुँचने में। 20-25 रुपए में आप यहाँ पहुँच जाएंगे ऑटो में, या शहर ऑटो पकड़ लें या बस पकड़ लें, लोकल ऑटो बोलते हैं जिसको। यहाँ से पूरी सिटी दिखती है, नीचे ऊपर बना हुआ है। बहुत बड़े एकड़ में यह मंदिर बनाया गया है, बहुत ही शानदार मंदिर है। और मेरे ब्लॉग में आपको जैन मंदिर बहुत देखने को मिलेंगे, जैन मंदिर ही नहीं बहुत से मंदिर देखने को मिलेंगे। मेरे को मंदिरों से बहुत लगाव है और मैं मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह जाता हूँ, मस्जिद हर जगह दर्शन करने जाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। ये शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये यहाँ पे भीड़ नहीं होने का कारण यह है कि मैं कोरोना काल में यहाँ पे आया था, उस समय कोविड चल रहा था, मैं किसी कारणवश अहमदाबाद गया था तब मैं यहाँ आया था। मैंने कहा मंदिर आए हुए तो मंदिर तो देखें। तब क्या है, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पे कम लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड कम लोगों को बुला रहा था। इस जैन मंदिर की कोई टिकट नहीं है, ये फ्री जैन मंदिर है, फ्री में देखो आराम से, फैमिली के साथ जाओ, बड़ा शानदार मंदिर है। मतलब कि इस मंदिर के अंदर जो गेट है ना, गेट मुंह से बोलते हैं, लाखों रुपए के तो गेट हैं और लाखों रुपए के झूमर लगे हुए हैं। ये देखो गेट देखो आप, क्या शानदार है, इतनी तो साफ सफाई है वहाँ पे, इतना शानदार है, किसी भी मूर्ति को आप हाथ नहीं लगा सकते, दूर से दर्शन करो। अब झूमर देखो आप कितना शानदार है, लाखों रुपए का झूमर है ये, और जब ये जलता है ना रात को तो मज़ा आता देखने में। यहाँ पे आप शोर शराबा नहीं कर सकते, साइलेंट जाएं, आराम से दर्शन करें, मंदिर के घूमें, परिवार के साथ जरूर जाएं, मज़ा आ जाएगा। एक नहीं कई झूमर लगे हुए हैं इस मंदिर में। ये देखो ड्रोन चलता रहता है, वो देखते रहते हैं यहाँ पे आप वीडियो बन। ये देखो कितने खंभों से बना हुआ है, बहुत सारे खंभों से खड़ा है ये मंदिर, बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा है। आप ज़रूर जाएं अगर वहाँ पे कभी आपका मौका मिले तो अहमदाबाद में। अभी फ़िलहाल मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा इस मंदिर का, नहीं तो मैं नाम भी बता देता आपको, नहीं तो कहीं भाई सोचेंगे कि यार नाम ही नहीं बताया मंदिर का। और नीचे है गार्डन, वहाँ पे आराम से आप बैठें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये देखिए उस गेट से आया था मैं नीचे, चारों तरफ गेट बने हुए हैं इसके, कहीं से भी आ सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो। पार्क में भी अगर आप बैठते हैं तो आप गंदगी नहीं कर सकते, नाश्ता पानी नहीं कर सकते, कैंटीन में ही करना पड़ेगा आपको। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस मंदिर की। और खैर मैं तो कहता हूँ हर जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे गुटखा मसाला नहीं ले जा सकते आप, पहले ही आपकी चेकिंग हो जाएगी बाहर। और मैं बोल दूँगा कि किसी भी मंदिर में जाएँ, ये चीज़ हर मंदिर में लागू होनी चाहिए। बहुत ही शानदार है, बहुत ही साफ़ सफाई थी इधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने चाहा दोबारा ज़िंदगी में तो ज़रूर यहाँ आऊँगा।